गुड आफ्टरनून पर आदरणीय सर और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं मेरा नाम मनीषा सिंह है और असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ कॉलेज। आज मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जनरल प्रोविजंस बताऊंगी। इसमें भी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं, तो मेरा जो लेक्चर है वो दोनों सर और मैम से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा आपको पढ़ाई वाला ज़्यादा लग सकता है। आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हो, आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ी है, आपके सिलेबस में कॉन्ट्रैक्ट है, आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ी है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट पता है सिंपल जनरल प्रिंसिपल्स कॉन्ट्रैक्ट पता है कि जनरल प्रिंसिपल्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं जैसे सेल ऑफ गुड्स। आप सुबह दूध लेने जाते हो, बिस्किट लेते हो, ब्रेड लेने जाते हो, तो उसके लिए वो क्या होता है? जब आप सुबह सुबह मान लीजिए आप दूध लेने गए, ठीक है, तो आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, आप लोगों ने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ना, है ना। आप यहाँ कॉलेज में पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर कॉलेज में आपकी पढ़ाई नहीं होती है या डिग्री पढ़ी दी जाती है ना, तो आप कोर्ट जाते हो, किस प्रोविजन में जाते हो, क्या कॉलेज के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है? कॉलेज के साथ कॉन्ट्रैक्ट है आपका, है सेवा की संविदा होती है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है ना। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, अगर डॉक्टर ने आपका इलाज गलत किया या आप गए आपने फीस के पैसे तो दिए लेकिन उसने देखा नहीं आपको, आप जब कोर्ट में जाते हो या जब लॉ में जाते हो ना, तो आपके पास कोई आपके एक सिंगल स्टेप के लिए भी कोई ना कोई प्रोविजन होना बहुत जरूरी होता है। आप लॉ के अंदर कोई भी स्टेप बिना किसी प्रोविजन के नहीं ले सकते, है ना। तो आपको डॉक्टर ने नहीं देखा फीस देने के बाद भी, ठीक है, वैसे आप कहोगे किसी पैसे के लिए हम कोर्ट तो जाएंगे, लेकिन अगर आप जाते हो तो कहाँ जाओगे? क्योंकि आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, है ना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट के तो जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि वहाँ हम जनरल प्रिंसिपल को कहाँ लागू करते हैं। जैसे सेल ऑफ गुड्स है ना, आप लोगों ने पढ़ी है क्या सेल ऑफ गुड्स पढ़ी है? कोई भी जब आप देखो है मुझे बता रहे हैं ना, सेल ऑफ गुड्स में क्या होता है कि आप मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, है ना, मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, वो सेल ऑफ गुड्स होती है, ठीक है। एक प्लेज होती है गिरवी, है ना, गिरवी। गिरवी में क्या होता है, आप किसी वस्तु को रखते हो ना उसके बदले में पैसे, है ना। एक छोटी की संविदा होती है, छोटी पैच छोटी की होती है ना, आपने किसी से आपने किसी को पैसे दिलवाए, ठीक है, और आपने गारंटी दी कि भाई ये अगर नहीं चुकाएगा आपको तो मैं चुका दूंगा, ये क्या होती है? छोटी की प्रतिनिधि होती है, प्रतिनिधि की संविदा होती है। ये सब स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है, एजेंसी हो गई, बेलमेंट हो गया, है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप नहीं पड़ी आप लोगों ने, आपके नहीं है, पार्टनरशिप भी क्या होता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है। बाकी के आप लोगों ने पढ़े हैं प्रतिभूति की संविदा, बेलमेंट पढ़े हैं आपने, बेलमेंट आप जमीन सही करवाने के लिए देते हो, आपकी गाड़ी खराब हो गई, आपके ज्वेलरी में कुछ खराब हो गया, आप सही करवाने के लिए देते हो, है ना। अगर वो उसको गुम कर दे, ठीक है, गुम कर दे, है ना, अब आप उसे किस प्रोविजन में मांगोगे? नहीं देता आपको 1 लाख का हार है, 2 लाख का है, आपने सही करने के लिए दिया, उसने खुद रख दिया या चोरी हो गया या कुछ भी हो गया, अभी तो आपको लौटा नहीं रहा, तो कहाँ जाओगे आप? कोर्ट में जाओगे, लेकिन किस प्रोविजन में जाओगे, किस प्रोविजन में जाओगे? वो तो कह देगा कि क्या किस में, कोर्ट कहेगा क्यों आए हो भाई। जब आप किसी कोर्ट में लॉ में जाते हो ना, तो आपने सामने वाले के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन आपका होता है, कोई ना कोई प्रोविजन आपके किसी ना किसी राइट का उल्लंघन होता है ना, इंफ्रिंजमेंट होता है ना, तभी तो आप जाते हो, आपके अधिकार का उल्लंघन होता है, तो वो कहेगा कि कोर्ट में क्यों आए हो, तो वहां आप कहां जाते हो? बेलमेंट में, समझ रहे हो? आपने उसके साथ क्या किया? बेलमेंट, उसने धान की संविदा, आपने थोड़ी सही करने के लिए। अपन लोग जैसे कभी फैमिली कहीं जाते हैं, है ना, तो अपनी ज्वेलरी वगैरह होती है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चोरी ना हो जाए, तो अपने किसी रिलेटिव को या किसी नोन को या कहीं भी अपन रख जाते हैं ना, कभी कभी रख जाते हैं ना कि हम आएंगे तो वापस ले लेंगे, और वो रख ले तो
कोर्ट जाओगे तो कोर्ट पूछेगा कैसे आए, तो कहा क्या कहोगे हम अपने काम के अंतर्गत आए, बेलमेंट के अंदर आए हैं, हमने बेलमेंट की थी जब आप किसी को कोई चीज है ना कोई वस्तु इसलिए किसी विशिष्ट यूज के लिए है ना किसी विशिष्ट पर्पज के लिए देते हो है ना, और आपका क्या होता है कि इस पर्पज को जैसे ही ये पर्पज कम्प्लीट होगा आप मुझे ये चीज वापस दे देते हो, ठीक है, वो होता है बेलमेंट, यही होता है। आपने घड़ी सही करने के लिए थी, किसकी थी आपका पर्पज क्या है, घड़ी सही होगी, घड़ी सही होगी तो आपको वापस देगा, आपने वैल्यू रखने के लिए थी अपना कोई वैल्यूएबल सामान दिया तो वो वापस देगा आपको, आपका जो पर्पज पूरा होता है, ठीक है, ये क्या होता है बेलमेंट है ना, ओके था, ठीक है। एजेंसी, एजेंसी आप सबके पास फोन है ना, आपके एंड्रॉइड जो है वो किसी ना किसी कंपनी के है, कंपनी से जाके लेके आए थे क्या ना, मैन्युफैक्चर होता है किधर से किया था, किसी शॉप से या कुछ पर्टिकुलर मोबाइल की एजेंसी से। तो एजेंसी क्या होती है कि जब कोई व्यक्ति किसी और के बिहाफ पर काम करता है ना, उस किसी पर्टिकुलर पर्सन के बिहाफ पर उसकी तरफ से किसी थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करता है वो क्या होता है एजेंट। वो जो आपकी एजेंसी होती है होंडा की आपके पास स्कूटी होगी है ना, स्कूटी होगी या किसी और ब्रांड की होगी मोटरसाइकिल होगी, तो वो जो ब्रांड होता है ना तो आप एजेंसी से लेके आते हैं मैन्युफैक्चरर से तो मिलाते हैं ना, तो वो एजेंट क्या होता है वो मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पर आपसे कॉन्ट्रैक्ट करता है सेल का, करता है ना, तो वो क्या होता है एजेंसी, जिसके बिहाफ पे करता है वो प्रिंसिपल होता है, मालिक किसको बोलते हैं, और जो आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो कौन होता है एजेंट, अभी तक सही बता रही हूँ, सही बता रही हूँ, ये पढ़ा है, यही पढ़ा है ना। एजेंट कोई भी हो सकता है, एजेंट के लिए कैसे संविधान है, जिसमें एजेंट चाहे तो माइनर भी हो सकता है, अवयस्क भी हो सकता है, अदरवाइज अवयस्क कर सकते हैं क्या कॉन्ट्रैक्ट, माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं नहीं कर सकते ना, एब इनिशियो वर्ड होता है शुरुआत से ही प्रारंभ होता है कि शून्य होता है ना, लेकिन एजेंसी में कर सकते हैं है ना, लेकिन यहाँ पर ये होता है कि जो माइनर होता है ना उसकी पर्सनल लाइबिलिटी कहीं भी नहीं होती, चाहे वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करे, तो यहाँ पर भी उसकी मालिक के प्रति पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती। और एक और चीज उसमें होती है कंसिडरेशन, प्रतिफल होता है कॉन्ट्रैक्ट में, विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता ना, तो प्रतिफल यहाँ जरूरी नहीं होता, बेलमेंट में भी क्या है कि जीरो कंसिडरेशन हो सकता है और ये भी जीरो कंसिडरेशन भी हो सकता है आपके कॉन्ट्रैक्ट में। मैं थोड़ा सा मेरा जैसे मैंने पहले बोला आपको थोड़ा सा पढ़ाई वाला भी रहेगा जनरल ठीक है, तो उसमें आपने सेक्शन 25 में पढ़ेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट जो विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड होते हैं है ना, तो उसमें जो 3 पॉइंट दे रखे हैं सेक्शन 25 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है ना आपने, तो उसमें दिया हुआ है कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जो विदाउट कंसिडरेशन भी वैलिड होते हैं है ना, उसमें 3 तो एक्सेप्शन उसमें दिए और 2 एक्सेप्शन आपकी एजेंसी और बेलमेंट के, ठीक है, उसके अलावा एक दान भी होता है, गिफ्ट होता है अपन किसी को गिफ्ट देते हैं ना वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, गिफ्ट में भी विदाउट कंसिडरेशन होता है, आप जिसको कोई गिफ्ट देते हो उसे बदले में थोड़ी देते हो, अभी रिटर्न गिफ्ट यहाँ नहीं आएगा कि हम तो बर्थडे हो जाते हैं तो हमें रिटर्न गिफ्ट मिलता है वो चीज़ नहीं, लेकिन आप अगर किसी को गिफ्ट देते हो तो उसे बदले में कुछ नहीं देते ना, गिफ्ट जनरल वाले सिंपल वर्ड में दान जो होता है ना उसको अपन गिफ्ट ही बोलते हैं, तो आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो ना तो वो दान ही है, तो आप बड़े लेवल पे देते हो तो ऐसा बोलते हैं कि दान दिया है, और अपन किसी फ्रेंड को देते हैं या फैमिली को देते हो तो गिफ्ट होता है, तो वो तो दान ही है, दान में आप बदले में कुछ नहीं देते तो वो भी क्या होता है विदाउट कंसिडरेशन होता है इस साइड। आगे ये चीज समझ में आई है ना, अब जो मेन था है LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है ना, आपके में पार्टनरशिप नहीं है तो आपको पार्टनरशिप नहीं पड़ा, लेकिन LLP है तो आप पार्टनरशिप नहीं जानते, तो मैं पहले आपको जानते पार्टनरशिप थोड़ा सा जानते हो, मैं थोड़ा सा पहले पार्टनरशिप बता देती तब आपको थोड़ा सा इजी होगा, कंपनी लॉ पढ़ा थोड़ा सा कंपनी लॉ पढ़ा, देखिए पार्टनरशिप जो होती है उसमें क्या होता है जैसे दो दोस्त है, चलो मिल गया अपन है ना दुकान खोल लेते हैं, ये चाय वाला है इसी तरीके से, चलो अपन तो आजकल चाय का बहुत चल रहा है तो अपन तो एक चाय की टपरी खोल लेते हैं, दो दोस्तों ने डिसाइड किया ठीक है, तो उन्होंने मिलकर क्या कर लिया पार्टनरशिप है ना, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर जब कोई बिजनेस रन करते हैं बिजनेस चलाते हैं है ना एग्रीमेंट करते हैं बिजनेस चलाने का, तो वो क्या होता है पार्टनरशिप होती है ठीक है। पार्टनरशिप में क्या होता है जो मेन चीज है जो LLP से रिलेटेड है वो ये है कि पार्टनर की जो लाइबिलिटी होती है ना वो अनलिमिटेड होती है, जैसे आपने दुकान खोली है ना, अब दुकान में हो गया घाटा ज्यादा, अब आपने तो लगाए 25-25 हजार रुपए, घाटा हो गया 1 लाख का, तो
तो अब जो 25,000 एक्स्ट्रा है ना, जो 50,000 वो क्या करना पड़ेगा, आपको पर्सनली देने पड़ेंगे, है ना, घर से भी चुकाना पड़ेगा, ठीक है। क्या होगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है आपकी। पार्टनरशिप में क्या होता है, जो सिंपली पार्टनरशिप होती है उसमें जो लाइबिलिटी होती है ना, कि अगर घाटा हो गया तो फिर घर से भी देना पड़ेगा, चाहे आप दिवालिया हो, है ना, आपको घर से भी चुकाना पड़ेगा। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पार्टनरशिप जो बनती है ना, उसको हम फर्म कंपनी होती है ना, ऐसे पार्टनरशिप को हम फर्म कहते हैं। आपने कई बार शॉप के आगे लिखा भी देखा होगा ये फर्म, या लॉ फर्म भी आपने सुना होगा कि लॉ फर्म होती है ना, तो फर्म होती है, तो जो फर्म होती है ना उसकी खुद की कुछ आइडेंटिटी नहीं होती, उसकी आइडेंटिटी अपने पार्टनर से होती है। जैसे आपने चार दोस्तों ने मिलकर कोई शॉप खोली, है ना, कोई आपने शॉप खोली, तो आप पे अगर कोई केस होगा, अगर आपने किसी को पैसे ले लिए, किसी के पैसे खा लिए, या किसी भी तरीके का केस होगा, तो वो फर्म नाम से तो होगा ही होगा, लेकिन उसमें तो चारों पार्टनर भी शामिल होंगे, है ना। और अगर उसमें से एक भी पार्टनर चले जाता है, ठीक है, तो वो फर्म क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है, समझते हैं ना। कंपनी में ऐसा होता है क्या, कंपनी का क्या होता है, शाश्वत उत्तराधिकार होता है ना, परपेचुअल सक्सेशन होता है। कंपनी में कोई आए कोई जाए, कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता ना। आपका मोबाइल खराब हो जाए, है ना, तो आप कंपनी के नाम से केस करते हो ना, शिकायत तो दर्ज करते हो कंपनी से करते हो, है ना, कंपनी से तो करते हो, आपको थोड़ी पता है कि काम करने वाले कौन कौन से हैं, कौन मैनेजमेंट संभालता था, नहीं पता ना आपको, कौन लीगल संभालता है, आपको तो कंपनी का नाम पता है। अब उसके अंदर कोई जाए कोई आए, किसी की मृत्यु हो, कोई बाहर जा रहा है, कोई रिटायर हो रहा है, कोई दिवालिया हो रहा है, पे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो वहां पर क्या होगा, कंपनी हमेशा जीवित रहती है। शाश्वत का मतलब क्या होता है, तो हमेशा हमेशा के लिए रहता है, है ना, तो कंपनी हमेशा के लिए रहती है, जब तक कि वो वाइंड अप नहीं होती, वो एक अलग बात है, अदरवाइज किसी के आने से जाने से उसको फर्क नहीं पड़ता है, है ना, लेकिन फर्म से पड़ता है। फर्म पे अगर एक भी व्यक्ति बाहर गया, अगर उसने ये मंशा जताई कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, तो फर्म को पूरा आपको क्या करना पड़ेगा, वाइंड अप करना पड़ेगा, उसको समाप्त करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, बोलो, ठीक है। तो फर्म में क्या होता है, एक तो उसका खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कंपनी में क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, आप जितना अपना शेयर दे रहे हो ना, आप उतने तक ही लायक हो, उसके आगे आपकी लाइबिलिटी नहीं। परपेचुअल आपको पता ही है, उसका सक्सेशन होता है, कोई आए कोई जाए, कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आप मान लीजिए कोई कुछ बिजनेस रन करना चाहते हो, कि भाई मैं बिजनेस खोलना चाहता हूँ, ठीक है, अब आप छोटे स्तर पर करना चाहते हो, खुद है ना, छोटे स्तर पर खुद करना चाहते हो, और कंपनी को जब अपन बनाते हैं तो उसकी क्या फॉर्मेलिटीज बहुत ज़्यादा होती है, कैपिटल भी होना चाहिए आपके पास, है ना, और फॉर्मेलिटीज बहुत सारी होती है। आप सोच रहे हो इतनी छोटी सी चीज के लिए इतना झंझट कौन पा रहे हैं, अब आप सोचते चलो फर्म खोल लेते हैं, लेकिन फर्म के साथ दिक्कत ये है कि मुझे मेरे पे तो भरोसा, कल को इसमें कोई फ्रॉड कर दिया और वो बोल दिया तो फिर से देना पड़ेगा। फर्म का जितना भी पैसा होगा, चाहे आप उससे किसी भी तरीके से बाद में दो, लेकिन पहले तो आपको सामने वाले का चुकाना ही पड़ेगा, है ना। 1,00,000 का हुआ मान लीजिए, आपने 25,000 लगाए थे, तो फिलहाल तो आपको सामने वाले पर्सन को देने ही पड़ेंगे 1,00,000। बाद में आप उससे कैसे रिकवर करते हैं वो एक अलग चीज है ना। तो आपके घर से जाएगा, अब आप कहोगे ठीक है मैं अपने ऊपर तो ले लूँ कि मैं नहीं करूंगा, इसने कर दिया, चार लोग हैं, चारों से किसी ने भी कर दिया, और हम फंस देंगे, मुझे ये भी नहीं चाहिए। अब तो ये थोड़ी सी इन दोनों ही सिचुएशन से बचने के लिए, और इस तरह की सिचुएशन के लिए LLP को बनाया गया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये क्या बीच की स्थिति है, पार्टनरशिप से तीन कठिनाइयों और कंपनी की दोनों की जो डिफिकल्टीज थी ना, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही थी, और बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, जो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करें ना, उद्योग को करें, ये हमारी सरकार का गवर्नमेंट का है, ज्यादा से ज्यादा अपने उद्योग खोले, नौकरियों में तो करते ही नहीं, अपने उद्यमों की तरफ ज्यादा बढ़े, तो उनको इजी रखे, इसीलिए LLP 2008 में बनाया है ना। LLP में क्या होता है, जो इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी नाम में दे रखा है, तो इसकी लाइबिलिटी क्या होती है, फर्म की तरह अनलिमिटेड नहीं होती, आप जितना कैपिटल लगाओगे उतनी ही लाइबिलिटी होगी, ठीक है, और परपेचुअल सक्सेशन कंपनी की तरह होता है ना। लिमिटेड लाइबिलिटी में कोई आएगा कोई जाएगा, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक कि डिसॉल्व आपस में नहीं करते, है ना, किसी के आने से किसी के दिवाले होंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने पार्टनरशिप की ये डिफिकल्टी थी हमको, ये
तरह की पार्टनरशिप की जो अगर फर्म बनाने से रोक रही थी कि भाई हम फंसे की जरूरी केस होगा तो हमको आएंगे ही आएंगे, प्लस जो आएगा हमारी लाइबिलिटी आएगी जो प्रेजाइड आएगा वो एक अलग है, उसी से हम पैसे उभरा रहे थे, तो वो उन्होंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब कंपनी ने हमको क्या दिक्कत आ रही थी, एक तो कैपिटल चाहिए एक पर्टिकुलर है ना, और उस कैपिटल को पूंजी लगाने के लिए है ना, पूंजी चाहिए लगाने के लिए, और फिर जो फॉर्मेलिटीज हैं उसकी जो पूरा स्टेप बाई स्टेप है वो बहुत ज़्यादा है, और आपसे छोटे स्टेप में करना चाहते हैं तो आपका से फटाफट हो जाए तो बहुत ज़्यादा कठिनाई में आपको सामना करना पड़े, तो उसके लिए एल एल सी बनाया कि आपको कंपनी जितने कठिन प्रोसीजर से नहीं गुजरना पड़ेगा, और एल एल सी आपका कैपिटल आपका पूंजी कितनी भी कम होगी तो भी चल जाएगा। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि एल एल सी क्यों बनाया गया। Thank you.